नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन प्रसाद सर। आज हमारे पास कुछ खास लोग हैं जो कि आज डॉग लेने आए हैं जर्मन शेफर्ड का, और वो जर्मन शेफर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसकी कैसी क्वालिटी है, और जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड बात करेंगे कि डॉग को। तो आज हमारा जो जर्मन शेफर्ड का फीमेल है वो ये बच्चा है, और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं सामने से दिखाओ प्रदीप। बिल्कुल एंगुलेटेड बच्चा है ये, आप इसके एंगुलेशन को देखें या इसका टेल का लेंथ देखें, तो ये क्वालिटी है आपका। ये सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड फीमेल, और ये जो जा रहा है आज हमारे पास दो कस्टमर आए हैं जो आप लोग कहाँ से आए हैं, एड्रेस क्या है आप लोग का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा शंकर है। आपका? आशीष। किस क्लास में है आप लोग? हम 8th क्लास में। 8th क्लास में, कौन से स्कूल में? PCS। अच्छा, आपने बगल में ही, ये हमारे बेऊर इलाके से ही है, और बेऊर में ही नथुपुर है, और ये लोग वहीं से आए हैं। और आपका किस क्लास में है आप? हम अभी 6th क्लास में। 6th में, आप 6th में, ये 8th में, दोनों PCS में ही है। अच्छा, चलिए। तो नंबर मेरा कहाँ से लिया था या मतलब हमारे पास कैसे आ रहे हैं आप लोग? हम आपके YouTube चैनल से इंस्पायर थे और आपके चैनल के वीडियोस देखते थे, तो जब मेरा हाउस चेंज हुआ तो हमको लगा एक न्यू डॉग खरीदना चाहिए, तो फिर हम सबके चैनल पर। तो आप लोगों ने मतलब जो वीडियोज में हमारे चैनल देखा था, उसमें आपने हमारा चैनल देखा था, सेम वैसा ही है या कुछ डिफरेंस लगा यहाँ पे आगे आने के बाद कुछ अलग सा महसूस हुआ? सर आने के बाद तो सर थोड़ा सा ये मतलब अच्छा लगा। हाँ, सारा कुछ देखा, जाना पहचाना टाइप का, यहाँ मैंने ये देखा है वीडियो में, वो देखा है, जैसे इनको पहले से पता था कि यहाँ 5th फ्लोर की बिल्डिंग है, और यहाँ जो भी हमारे साथ वीडियोस में रहते हैं सबको लमसम पहचानते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस को काफी फॉलो करते हैं ये लोग। और इनको ये सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड फीमेल दिया जा रहा है, बाकी अभी ये बड़ा होकर के कैसा होता है फ्यूचर में इनसे मिलता रहेगा फोटो वीडियो मुझे, तो अपडेट भी आता रहेगा। चलिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और आप लोग भी कहना थोड़ा हमारे व्यूवर्स को जो भी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा आपका। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और यहाँ के जो डॉग्स हैं वो भी बहुत हेल्दी और नेचर में बहुत डिफरेंट है।